पंजाब प्रदेश कांग्रेस की किसान मोर्चा सेल के प्रमुख इंद्रजीत सिंह जीरा ने अपने साथियों सहित पंजाब के गवर्नर को मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम में उन्होंने पंजाब के एक निजी क्षेत्रीय चैनल को बंद करने पर रोष व्यक्त किया और इसे दोबारा चालू करने की गुहार लगाई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले पंजाब कांग्रेस के किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और जबरदस्ती कांग्रेस भवन में घुसने के विरोध में भी अपना एतराज जताया है। इंद्रजीत सिंह जीरा ने कहा कि यदि एक हफ्ते के अंदर हमारी दोनों मांगों पर गौर नहीं किया गया तो हम गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। दिनी जो जी पंजाबी हरियाणा हिमाचल चैनल ने गलियां तो लेके लोकां दीआं दुख तकलीफां शहीदां दीआं दुख तकलीफां किसानां दीआं दुख तकलीफां मजदूरां दीआं दुख तकलीफां और इन्हां दा 50 करोड़ रुपया जो हवाई एयरपोर्टां ते नजायज लाया जिहदे फार्म भी पूरे नहीं कीते गए और जो 12,000 दा घपला है और इसे तरह जो किसानां ते पिछले दिन लाठीचार्ज होया है वो सारी ही प्रेस ने खास करके जी पंजाबी ने जो सामने लिया उन्दे करके असी गवर्नर साहब नूं कह के आए हैं कि इन्हू ब्लैकआउट किया गया और असी टाइम दे के आए हैं एक हफ्ते का कि जे एक हफ्ते दे विच मैं चालू ना किया तो गवर्नर साहब असी हजारां दी तादाद दे विच तुहाडे गेट ते आवांगे और सानू गवर्नर साहब ने भरोसा दवाया है कि मैं तुरंत इहदे विच दखल दे के इहनू चालू करावांगा और इसे तरह जिहड़ी पुलिस उस दिन जिस करके उन्हें ब्लैकआउट किया है लाठीचार्ज किया सी और उत्थे अंदर इंटर होई सी जिहड़ा साडा दफ्तर है उत्थे बजुर्गों नूं कुट्टिया गया लड़कियां नूं कुट्टिया गया तो भी गवर्नर साहब ने कहा कि उन्दे विच मंडकवारी लाती है छेती तो छेती जिहड़ा मैं उन्दा एक्शन लवांगा पर वो ये दो मंगां नूं लैके खास करके सी गवर्नर साहब नूं कहा कि दो मेन डिमांडां ने साडियां जिहड़ी पहली डिमांड बहुत वड्डी है दूजी भी बहुत वड्डी है ये जे एक हफ्ते दे विच विच दोनों डिमांडां साडियां ना मंगियां तो असी तुसीं कस्टोडियन हो तुसी पंजाब च देखो कि पंजाब च की हो रहा है किवें मारिया जा रहा लोगों नूं किवें लुटिया जा रहा लोगों नूं किवें उन्हां नूं दबाया जा रहा है और इस करके जे तुसी ना देखिया तो इस संघर्ष नूं असी अज दे दिन तो इत्थे असी बैठ के होर तेज करांगे। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की रिपोर्ट, नैशनल बज़।